हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम बबीता एंड आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज को मैं दिखाने वाली हूँ नो मेकअप मेकअप लुक। सो ये बेसिकली मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ की हूँ एंड इसको क्रिएट करना बहुत ही ईजी। आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं क्रिएट, बहुत ईजी है। और इसमें कुछ चीज़ आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं कैसे लगा वीडियो। सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। सो आपको कुछ भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको अपना स्किन बहुत अच्छे से प्रेप करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका स्किन अच्छा नहीं होगा तो आपका मेकअप भी अच्छा नहीं होगा। सो फर्स्ट हम लोग स्किन केयर करेंगे, देन मूव ऑन करेंगे मेकअप की ओर। सो मैं पहले टोनर यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे प्लम का टोनर यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन टी वाला है। अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है जस्ट लाइक मी तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। ये मैं गुड वाइफ का सीरम यूज़ कर रही हूँ, ग्रेप सीड वाला। मॉइस्चराइजर के लिए मैं ये सिंपल का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। ये ड्राई स्किन वाले लोग के लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं जो आप पे सूट करे। इसको मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूंगी और नेक पे भी लगाऊंगी। एंड इसके बाद आपको सनस्क्रीन लगाना अगर आप डे टाइम में ये मेकअप लुक चाहते हैं तो। बट मैं अभी नाइट टाइम में ये शूट कर रही हूँ वीडियो, तो मैं अभी सनस्क्रीन लगाऊंगी नहीं, स्किप कर रही हूँ। बट आप अगर डे टाइम में ये मेकअप लुक करते हैं तो मेक श्योर आप अच्छा कोई सनस्क्रीन लगाइएगा। देन मैं यूज़ करी ये NYWay का मिनी प्राइमर। देन मैं फाउंडेशन के लिए ये सुगर का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जो सीरम फाउंडेशन है। बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है, बहुत ज़्यादा वाटरी फाउंडेशन है। देन मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ। आप फर्स्ट कंसीलर यूज़ कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे पहले फाउंडेशन यूज़ की हूँ। सो नेक्स्ट मैं यूज़ करी ये ब्लू हेवन का कंसीलर। मेरा शेड है हनी और इसका प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है, समथिंग 150, बट डिस्काउंट में और कम हो जाएगा। एंड फाउंडेशन का शेड नंबर था 42। देन मैं NYWay का क्रीम कंसीलर प्लस फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा माउथ के अंडर बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, तो सीधा अगर लाइट वाला कंसीलर यूज़ कर देंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो मैं दोनों को मिक्स करके यूज़ करती हूँ। एंड आपको बस अभी ब्लेंड करना है। आप जितना अच्छे से ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपका बेस क्रिएट होगा। देन मैं यूज़ कर रही हूँ ये कॉन्टोर जो है NYWay का इन दी शेड टोस्ट। देन मैं ये मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। देन मैं रेवोल्यूशन का पैलेट से ये ब्राउन कलर यूज करके एज अ ब्रॉन्जर यूज करूंगी। मैं एक्स्ट्रा ब्रॉन्जर नहीं बाय की हूँ क्योंकि इसी से काम बन जाता है, हल्का हल्का यूज करूंगी। देन मैं ब्लश के लिए ब्लू हेवन का ब्लश किट यूज कर रही हूँ। मैं हाइलाइटर के लिए यूज कर रही हूँ सुगर का हाइलाइटर इन दी शेड 1। सो फॉर माई आईब्रोज मैं ले रही हूँ NYWay का आईब्रो पेंसिल इन दी शेड ब्लैक।
फेसेस कैनेडा का मस्कारा बहुत अच्छा मस्कारा है। सो मैं लैसेस को अच्छे से कर्ल कर लूँगी। लिपस्टिक के लिए फेसेस कनाडा का लिपस्टिक यूज कर रही हूँ इन दी सेड प्रीटी सिफिया। बहुत अच्छा न्यूड सेड, अगर आप डस्की स्किन टोन है जस्ट लाइक मी तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर मेरा वीडियो पर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा, जैसे कि मेरा मेकअप या फिर मेरा लिपस्टिक, तो आप बोल सकते हो कि ये ठीक नहीं है, तो मैं बेटर करने का कोशिश करूँगी क्योंकि मैं भी अभी बिगनर ही हूँ। ब्लू हेवन का सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, पता नहीं कैसा रहेगा। थोड़ा सा इसको ब्यूटी ब्लेंडर से फेस पर अच्छे से सेपरेट कर लूंगी। हियर इज माय न्यू मेकअप मेकअप लुक। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।